इंदौर में दो छात्राओं ने एक मानवीय पहल की है। दोनों बच्चियां अभी पढ़ाई कर रही हैं। एक का नाम है खनक खजेला, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, तो दूसरी गौरी वाजपेयी श्री सत्य साई विद्या विहार स्कूल में पढ़ती है। इन दोनों के दिमाग में एक विचार आया कि बच्चे अपना मन मार कर रहते हैं या अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, उनकी मदद की जानी चाहिए। और इसी के चलते दोनों छात्राओं खनक हजेला और गौरी वाजपेयी ने असहाय बच्चों की मदद करने की ठान ली, और इनकी मदद की इनके माता पिता ने। इनकी माने तो हम अपने माता पिता से जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। अनाथालय में रहने वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना मन मार कर रहते हैं, उन्हें जो दिया जाता है उन्हें उसी में खुश रहना पड़ता है। और इसी बात को खत्म करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में दोनों के माता पिता ने भी दोनों का सहयोग किया है, और 27 जुलाई को रविंद्र नाट्य गृह में एक छोटा सा कार्यक्रम रास एक नन्ही सी पहल का आयोजन होने जा रहा है। माधवी चांदोलकर मैम से 6 वर्ष से संगीत सीख रही हूँ। ये जो कार्यक्रम है प्रयास, ये मैंने और मेरी फ्रेंड ने जब डिस्कस किया इसको, तो हमें लगा कि हम बच्चों को चीज़ें तो दे रहे हैं जो उनकी ज़रूरत है, पर क्या हम उनको वो चीज़ें दे पा रहे हैं जिससे उन्हें खुशी मिले। तो हमने बस इसी मोटो पर प्रयास नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जो 27 जुलाई को रविंद्र नाट्य गृह में 5:30 बजे से होगा। इस प्रोग्राम का मोटो ये है कि हम बच्चों को खुशी ना दें, हम उनको डिलाइट दें, हम उनको इतनी खुशी दें जो जब हम अपने मम्मी पापा से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आपको क्या, कौन सा कलर चाहिए या आपको क्या चीज़ चाहिए, तो हमसे हमारी चॉइस पूछते हैं। पर क्या हम उन बच्चों से उनकी चॉइस पूछते हैं? हम नहीं पूछते। तो हम लोग बस इसी बेस पे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि हम उनकी चॉइस पूछेंगे और जो उन्हें चाहिए हम वो उन्हें देंगे, हमारी मर्जी का नहीं, हम उन्हें उनकी मर्ज़ी का देंगे। ये कार्यक्रम 27 जुलाई को रविंद्र नाट्य गृह में 5:30 बजे से। इन बच्चों का चयन किया आपने, जिन बच्चों की आप हेल्प करना चाहते हैं, कौन से बच्चे हैं? ये बच्चे ऑर्फिनेज के बच्चे हैं। जैसे मातृ छाया की बात हुई थी, हमें मातृ छाया से ही ये सोच उत्पन्न हुई है, ये बच्चे ऑर्फिनेज के। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि संदीप सक्सेना होंगे, वही मुख्य अतिथि पद्मश्री जनक पल्टा होंगी। इस कार्यक्रम में सेवा भारती इंदौर द्वारा संचालित जीवन उमंग छात्रावास, शिशु पालन गृह मातृ छाया और निराश्रित वृद्धाश्रम के लोग भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में अनाथालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1 टन दूध की व्यवस्था की गई है, जिसे पीकर वो स्वस्थ रह पाए। साथ ही कूपन वाउचर की व्यवस्था भी की गई है। इसमें बच्चों के कूपन निकलेंगे और उस कूपन में दुकानों के नाम लिखे होंगे, बच्चे वहां जाकर अपने मन का कुछ भी खरीद पाएंगे। इन दोनों बच्चों की इस पहल की इंदौर में जगह जगह तारीफें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।